Konnichiwa everybody, welcome back to another vlog. आज हम लोग ओसाका से निकल रहे हैं, अपना ओसाका का ट्रिप खत्म हो गया. अभी अपन जाने वाले हैं टोक्यो. अभी मैंने गाड़ी बुक की, अपना कैब आ रहा है अपने को पिकअप करने के लिए. इधर से अपन जाने वाले शिन ओसाका रेलवे स्टेशन, आई थिंक मैं नाम सही बोल रहा हूँ. फिर वहाँ से अपने को जाना है टोक्यो और अपन आज लेने वाले हैं बुलेट ट्रेन. अपन आज जाएंगे बुलेट ट्रेन में, इसको बोलते हैं शिनकानसेन यहाँ पे. हाँ, और भाई ये इनकी ट्रेन कितनी फास्ट है भाई, कितनी ज्यादा फास्ट है, लिटरली 400 किलोमीटर ढाई घंटे में पहुंचा रहा है. तो यस, आज अपना पहला एक्सपीरियंस होने वाला है बुलेट ट्रेन में, तो चलते हैं. भाई यहाँ पे तो कितने मस्त मस्त पार्किंग बने हुए यार, ऐसे पार्किंग अपने वहाँ बन जाए तो मजा आ जाए. और एक सेकंड, ये अपना गाड़ी है. अपने को अभी गाड़ी मिल चुका है, अपन निकल रही है. कौन सी गाड़ी है भे? ये अपना वो नहीं लग रहा है गुरखा यार. यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, जो चाचा जी आए हमको पिक करने, चाचा जी को मतलब मेरा जो बैग है बहुत भारी है, तो मैं बोला यार मैं रख देता हूँ. चाचा जी बोला नहीं नहीं मैं रखूंगा. मतलब यार रखने नहीं दे मेरे को, खुद उठा लिया यार. इतने अच्छे लोग यार. और फिर उठा के दरवाजा खोले थे, इतनी मतलब क्या बोलूँ यार, आदत नहीं. हम देखो ऐसे गाली खाली खाते हैं यार, खुद रख चल खुद निकाल. मतलब इतने प्यारे, इतने अच्छे लोग हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे. और भाई हम लोग आ चुके हैं स्टेशन में, और ये स्टेशन कम साला एयरपोर्ट जैसा लग रहा है लिटरली. भाई इधर गाड़ी रुकाने का जगह एयरपोर्ट की तरह है. तो अब मेरे को देखना है कि कहाँ से मिलते हैं. ओ वो रहा शिनकानसेन टिकट, तो वहीं जाएंगे. चलो मेरे को टिकट निकालना पड़ेगा, और आई थिंक प्लेटफॉर्म नंबर 27 से अपनी गाड़ी निकलेगी, तो देखते हैं. चलिए, सबसे मजेदार बात पता है क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पे इन लोग इनके बुलेट ट्रेन को ट्रीट करते हैं लोकल ट्रेन के लिए. मतलब ऐसे स्पेसिफिक टाइम, मतलब ऐसे आते रहते हैं, ठीक है, लगातार आते रहते हैं, तुम आराम से आ सकते हो. तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कुछ खाना नहीं खाया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो कुछ भोजन देख लेते हैं भोजन में क्या है. तो सैंडविच खाना बहुत आसान है यार, आई थिंक सो मैं ये खाऊंगा. ये और थोड़ा कॉफ़ी ले लेते हैं, पीने में मज़ा आ जाएगा इसके साथ. कौन सी कॉफ़ी ले? मेरे को इनकी कॉफ़ी बहुत पसंद है. ये जो इनकी कॉफ़ी आती है ना, ये वाली, ये और ये इनकी कॉफ़ी, तो ये बहुत मेरे को पसंद है. चलो भाई, थोड़ा खाने का बंदोबस्ती हो गया, अभी बस थोड़ा बैठने का बंदोबस्ती हो जाए तो आराम से बैठ के एकदम मजे से खाएंगे. अरे अरे है बंदोबस्ती है बैठने का. ओके भाई, आई थिंक सो यहाँ पे अपने को शिनकानसेन के टिकट्स मिलेंगे. और वो रहा शिनकानसेन ट्रैक्स, तो अपने को टिकट यहाँ से निकालना है और अपने को यहाँ से एंटर करना है. भाई बहुत देर तक कंफ्यूज होने के बाद मैंने फाइनली मेरा टिकट निकाल लिया है. आई थिंक ये मेरा टिकट है, मुझे पता नहीं है बाकी दोनों मुझे क्या दिया इन लोगों ने. आई थिंक ये रिसीट है, ये रिसीट है, ये मेरा टिकट है. और एक शायद से मेरा बैग का, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा बैग है, तो इनको ना बैग के लिए अलग से बोलना पड़ता है, तो वो अलग से बैग का एक जगह देता है, तो तुम उसमें तुम बैग डाल सकते हो. तो आई डोंट नो मुझे उसका कितना चार्ज किया है, बट देन टोटल मिला जुला के मेरे को 10,000 yen लगे. और एक्चुअली क्यों लगे, मेरे को थोड़ा और कम लगता, बट मैंने ग्रीन कार लिया है. ग्रीन कार काइंड ऑफ इन लोग का थोड़ा सा और बेटर वाला डब्बा है, तो मैंने थोड़ा वो वाला लिया है, तो और कम हुआ था. अब लफड़ा है कि मेरे को डस्टबिन ढूंढना है. यार ये देश इतना साफ है, पर एक तकलीफ है, इनका डस्टबिन नहीं मिलता यार. डस्टबिन कहाँ है, कचरा फेंकते कहाँ लोग, सब कचरा घर ले जाते क्या? ओके, अभी अपने को जाना है शिनकानसेन ट्रैक्स में. आई थिंक सो ये सेंट्रल एंट्रेंस है, मेरे को पता नहीं, बट इधर तो लिखा हुआ है कि क्योटो नागोया टोक्यो जा रहा है. और मेरा ट्रेन नंबर है 226 नोजोमी, तो वहाँ पे लिखा हुआ है 226 3:15 का टाइम है. थोड़ा मैंने 1:15 का थोड़ा टाइम है, बट ठीक है, मैंने थोड़ा आराम से लिया है. तो आई थिंक ये मेरा टिकट है, ये मेरा आई थिंक पता नहीं क्या, ये रिसीट है भाई. कितना रिसीट देते हैं इन लोग यार. आई थिंक यही मेरा टिकट है फाइनली. तो चलो चलते हैं अंदर. यहाँ से अंदर जाने के लिए क्या करने का है, आपको टिकट को यहाँ से ऐसा भरने का, अरे खींचने का टिकट को, फिर खींचने के बाद आपको आगे जाना है, और आपके क्रॉस करने के बाद टिकट यहाँ से हाथ में आ जाएगा. तो टिकट यहाँ से वापस लेना है और कल्टी मारना है. ओके, ये अपनी ट्रेन है 1:15 की. मेरे को और पहले का मिल रहा था, यहाँ पे ट्रेन और थे बहुत सारे, 12:30 था, 12:45 था, 12:06 था, बट देन ना कुछ ट्रेन में विंडो सीट मिला, और एक वो एक रीजन था. और दूसरा रीजन ये था कि मेरे को ऐसा सीट चाहिए था, मेरे को ऐसा ट्रेन चाहिए था जो थोड़ा मेरे को आराम से टाइम मिले. मेरे को भागना पसंद नहीं यार, भागम भाग में ना देरी हो जाती है और गलती होती, तो भागम भाग नहीं करेंगे अपन, आराम से भी ले लिया. तो अभी अपने ट्रेन को है अच्छा खासा आधा घंटा 40 मिनट है, तो आराम से निकलते हैं, चलते हैं स्टेशन. प्लेटफॉर्म नंबर देखा है, इसका लिखा ही नहीं है. प्लेटफॉर्म नंबर क्या है मेरा? मेरा है प्लेटफॉर्म नंबर 26 नंबर प्लेटफॉर्म की तरह, वो ढूंढना है अपने को. और यहाँ पर दिया भी हुआ है 3:15 का ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 26 पे अभी आ रहा है इधर. आई थिंक यहाँ से 26 के ऊपर जाना है. ओके गाइस, तो यहाँ पर खड़ी है 12:54 की टोक्यो, और ये रहा वो ट्रेन. मतलब अपना भी ऐसे ही रहेगा, मेरा भी कार नंबर 9 ही है. और भाई देख के तो अच्छा लग रहा है भाई, सिर्फ 2-2 सीट है इसके अंदर, अच्छा है भाई. क्या ये ट्रेन बंद हो रहा है? आई थिंक ये बंद हो रहा है अभी, ये कल्टी मारेगा भाई. वो साइड वाली ट्रेन कल्टी मार रही है भाई, अभी तो बस चालू हुआ था, इसने क्या स्पीड पकड़ लिया इतने समय. निकला तो मेरी एक्सीडेंटली फट गई कि ये मेरी ट्रेन तो नहीं है, बट देन आई थिंक सो उस पर लिखा हुआ है 12:54 वो पीला वाला मेरा पीला वाला ट्रेन है 226 नोजोमी, ये कोडामा है. और यहाँ पर भी लिखा है, ये ट्रेन के ऊपर तो 720 लिखा हुआ है, तो ये कोडामा हो गया, ऊपर लिखा है कोडामा.
टिकट आवाज कर रहा है, आई थिंक अभी बंद होके कल्टी मारेगा ये भाई। आवाज कर रहा था, बंद होगा कि नहीं होगा? ओ यस, ये देख लो ट्रेन का दरवाजा ही बंद हो गया, बाहर का भी दरवाजा धीरे 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 बंद हो रहा है, और अभी ये बंद होके फुल स्पीड में कल्टी मारेगा। पता है ये बंद वाले दरवाजे ना इंडिया के लोकल ट्रेन में चाहिए, पर देन हमारे यहाँ के लोग इतने हरामी है ना कि इसके ऊपर से उड़ी मार के ट्रेन में घुसेंगे। अभी तो क्या स्पीड में कल्टी लेगा ये ट्रेन। अच्छा, अरे दीदी मुंडी मत निकालो दीदी। अरे लगता है दीदी मुंबई लोकल से आई ली है। तो मेरे को आप समझो डिफरेंस क्या है, जो नॉर्मल कार है उसमें तीन तीन का सीटिंग है, आई थिंक तीन दो का है, एटलीस्ट ये साइड तो तीन था, आई थिंक उस साइड दो था, और जो ग्रीन कार है उसमें दो दो का सीट है, थोड़े बड़े सीट, थोड़े कंफर्टेबल सीट है, थोड़े आराम से जाने मिलेगा। ओके, तो अभी ये ट्रेन कल्टी मार लिया, इसका मतलब अगला ट्रेन अपना ही है, और बस 15 मिनट बचा है ट्रेन को निकलने में। तो 15 मिनट ट्रेन आ रहा है, ट्रेन में चढ़ते बैठते एक्चुअली मेरे को पहले बैग रखना है, ये बैग रखने के लिए स्पेसिफिक जगह है पास ऊपर सा, तो पूछना पड़ेगा, बैग रखना है, और फिर बैग रखने के बाद अपन जाके अपने सीट पे बैठेंगे। ओके, ये रहा अपना ट्रेन, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेन स्टॉप से क्योटो नागोया शिन योकोहामा शिनागावा। एक सेकंड, अबे ट्रेन टोक्यो में रुकता है क्या? अच्छा एक सेकंड, शायद से लास्ट स्टॉप रहेगा टोक्यो, तो बीच का बता रहा है। ओके चलो फिर, और सही है, मेरे को लगा था टोक्यो आती है भग के उतरना पड़ेगा, बट नहीं, भग के उतरना नहीं पड़ेगा, ये टोक्यो लास्ट स्टॉप है। और यहाँ पे अभी लिखा हुआ है कि ट्रेन अप्रोचिंग। ओके, पता नहीं कहाँ से ट्रेन आ रहा है, वो चाचा उस तरफ देख रहा है, मतलब ट्रेन पक्का उस तरफ से आ रहा है। वो रहा अपना ट्रेन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, बट अपन ने रख लिया, हो गया अपन ने रख दिया इसको, इतने कंफ्यूजिंग की बात है, पर ये भी लगा लिया तो अपना बैग अभी सिक्योर है, इसके अंदर किसी भी कोई खोल नहीं सकता, तभी चलते अपने सीट पे। ये रहा मेरा सीट 15D। तो भाई लिटरली ट्रेन का बिजनेस क्लास है, तो यहाँ पे पैर रखने जगह ऐसे पैर रख सकती हूँ। ओ भाई, मैं सीट को लिटरली इतना पीछे करके ऐसा आराम से फैल के बैठ सकता हूँ, क्या ट्रेन है यार ये। और यहाँ पर एक टेबल है जिससे मैं कुछ रख सकता हूँ, और मज़े की बात है कि आसपास सब खाली है। ओके भाई, अपनी गड्डी निकल गई, मेरे बाद वाला सीट खाली है, तो आगे भरेगा इसके बहुत सारे स्टॉप्स आने। तो भाई अभी देखते हैं कितनी जल्दी ये स्पीड पकड़ता है, और आई थिंक वहाँ स्पीड बताता है। बाय बाय ओसाका, अगली बार मिलेंगे। भाई ये क्या होटल है, यहाँ दे रहे ना, इनका धंधा बंद कैसे लिया? और यहाँ पे गाइस लिटरली कोई बात नहीं कर रहा, मैं अकेला चिल्ला रहा हूँ। ओ भाई, इसने अचानक से क्या स्पीड पकड़ ली भाई, चल रहा है धीरे धीरे, अचानक से लगा नहीं। क्या दिया ये, कुछ तो देखी गई दीदी आके, पर ये क्या है मेरे को नहीं पता। तो अच्छा ये टिश्यू है, इसमें पूछना है, मेरे मुँह पूछने का मन तो कर रहा है, बेटा फोन खा रहा हूँ भाई। ये ट्रेन की फास्ट की टर्बुलेंस होता है ट्रेन जैसा, मैं तो बता रहा हूँ ये ट्रेन में अगर पंख लगा दिया तो बस पूरा आसन दिया सच्ची उड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ऐसा बंद करने के लिए भी है, अगर तुमको बहुत रोशनी आ रही, पता नहीं, मैं नहीं बंद करूँगा इसको, मुझे बाहर देखना है, मेरे लिए नहीं है भाई, मैं बंद नहीं करने वाला हूँ। ऑलराइट भाई, तो ये रहा यहाँ का वॉशरूम, इधर तुम जाकर पहुँच सकते हो। यार इन लोग के डब्बे देख रहे हो, इनकी मालगाड़ी है, बहुत छोटे छोटे डब्बे यार, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट आई थिंक ये मीटर गेज है, ये शायद से वाइड गेज नहीं है, मुझे बहुत छोटा दिख रहा है, इनका मालगाड़ी जाता है मीटर गेज में। आई थिंक तुम में से कोई होगा इसको ट्रेन के बारे में ज़्यादा पता मेरे से, तो वो बताओ मुझे कि आई थिंक मेरे को लग रहा है ये मीटर गेज है। अरे आगे निकलती है, भूख लग रहा है, कुछ लेके आना चाहिए खाने को, बैठ के आराम से खाता है इधर, कोई बात नहीं, बोलो ना था इसके अंदर कुछ मिलेगा ट्रेन के अंदर, अगर इतना कुछ होता है नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, मेरे को लगा था भूख नहीं लगेगा, पर भूख लग रहा है, कोई बात नहीं। और कितना है, और आई गेस 2 घंटे के आसपास, चल नहीं कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद खाएंगे आराम से। और ये अपन निकल गए नागोया से, अभी इसके बाद का जो अगला स्टॉप है वो सीधे आई गेस 1.5 घंटे बाद है, तो 7 को निकल रहे और 3:30 बजे अगला स्टॉप है, और अभी यहाँ से और अगले स्टॉप के बीच में बहुत सारे टर्न लाएंगे, क्योंकि इसके बाद पूरा पहाड़ गिर रहा है, बट आई थिंक सो अगले स्टॉप के पहले ही मुझे बहुत चीज़ें देखने को मिल रहा है। ओके भाई, तो अपन टोक्यो पहुंच गए, अब देखना कहाँ जाना है।
तो गाइस मेरे को अभी इधर पहुंच के थोड़े और पैसे देने पड़े क्योंकि अपेरेंटली मैंने एक चीज का टिकट नहीं लिया था। तुम लोगों को मैं आराम से बैठ के समझाता हूँ कि सीन क्या है। भाई इन लोग का ना हर स्टेशन का ये मस्त रूल है, नीचे स्टेशन ऊपर पूरा बिल्डिंग। कितनी बड़ी बिल्डिंग है भाई, तो पता नहीं शॉपिंग मॉल क्या क्या नहीं है, उसके बराबर ही मेरा गाड़ी आ गया। मेरे को कुछ आइडिया नहीं मेरा था रूम कैसा रहेगा, आई होप सो अच्छा हो। यहाँ पे लिटरली सब कुछ भी खुद से करना पड़ता, मतलब इधर चेकिंग का टेंशन ही नहीं है, बस आ जाओ। प्लीज रूम अच्छा हो, तुम लोगों को रूम मेरे से पहले दिख रहा है। प्लीज रूम अच्छा हो। भाई ये रूम शुरू होते ही खत्म हो गया, अबे कितना सा रूम है ये। तो गाइस ये है अपना आज रात का होटल रूम, आज रात का, कल मैं दूसरे होटल में जा रहा हूँ। तो यार प्रॉब्लम ये है कि मेरा जापान का प्लान एक तो इतना लेट बना, ऊपर से मेरा टोक्यो आने का प्लान भी इतना, मतलब ऊपर नहीं, मतलब डेट्स कुछ फाइनल था ही नहीं कभी क्या करना है नहीं करना है। और ये एक सबसे बड़ी गलती है, इस चक्कर में मेरे को होटल्स के लिए मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है। लिटरली मेरे को आज के लिए ये होटल मिला है, बुरा होटल रूम नहीं है, अच्छा होटल है। बट यार बताए, मैं तो यार देखो बहुत लंबा चौड़ा आदमी, ठीक है देखो मैं खड़ा हूँ, देखो मेरे दोनों पैर देखो मैं कैसे खड़ा हूँ, ये मैं पैर फैला के ऐसा खड़ा, ठीक है ये मैं पैर फैला के रुका हूँ, और ये मैं नॉर्मली रुका हूँ। लाइक तुम लोगों को मैं कैसे समझाऊँ, मतलब ये देखो मेरा हाथ, देखो सेंटर में रुका हूँ, ये देखो मेरा हाथ, देख रहे हो ये ऑलमोस्ट टच हो रहा है, ऑलमोस्ट, मतलब मैं अगर थोड़ा सा बेंड हो जाओ ना ये लो टच हो गया, सेम इधर ऑलमोस्ट टच हो रहा है, थोड़ा सा बेंड होगा देखो टच भी हो गया। और इसका बाथरूम है, तुम्हारे बाथरूम तो बोलो ही बाथरूम में घुसते ही नहीं हो रहा है भाई, किसके लिए होटल बनाइए। बट एनीवे गाइस जो है वो है, आज का रात तो यही सोना है, पर अभी अपन जाएंगे बाहर थोड़ा घूमने, थोड़ा सा टोक्यो एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं बाहर क्या है। तो गाइस ये था जापान का बुलेट ट्रेन, आई होप सो व्लॉग देखे मजा आया होगा, अगर मजा आया तो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करो, और तुमसे मिलता हूं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।